सो दोस्तों, मैं इस वीडियो का दो पार्ट बनाने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, कुछ 15 मिनट्स ऐसा तक आ गया था, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो को दो पार्ट में बांट दूँ। सो इस वीडियो में अब मैं आप लोगों को दिमापुर का एक टूर मारूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब इस वीडियो में रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर में जाता हूँ, उसके बाद बारबेक्यू नेशन जाता हूँ। सो इसलिए मतलब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो इस हिस्सा में आप लोगों को मैं रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर और यहाँ वहाँ घूमने का आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बारबेक्यू नेशन जाने का, उधर खाने का कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। सो इस पार्ट वही होगा, उसके बाद परसों ऐसे में मैं पार्ट टू भी रिलीज करूंगा। सो चलो आप लोगों को दिखाते हैं ये पार्ट। सो गाइस, अभी हम लोग स्कूटी से चर्च तक जाएंगे और उधर से बाइक लेंगे। दिमापुर का पावर हाउस है। सो यस गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये दिमापुर का सेकेंड ब्लॉक है। सो आज मेरे साथ है वीर, यानी कि मेरा मतलब भैया, सीनियर, सब कुछ है, मतलब दोस्त जैसा ही है लेकिन सीनियर है मेरे से। सो आज हम लोग दोनों जाने वाला है दिमापुर टाउन, साथ में घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, और रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर में भी जाना है। सो भाई का थोड़ा सा मतलब बाइक में प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब दिखाना है, और भैया कल मतलब दिमापुर छोड़ के जा रहा है, इसलिए लास्ट डे है आज। सो दोनों साथ में गुजरने वाला है। सो अभी हम लोग रुका हुआ है स्पीड ऑफ ए चर्च में भैया का मतलब पापा जी के लिए। सो उसी समय में मैं अपना थोड़ा गियर सब भी मतलब चर्च दे रहा हूँ। सो चर्च होने के बाद डायरेक्ट दिमापुर मतलब टाउन एक्सप्लोर करेंगे हम लोग साथ। सो बाइक इधर है, सो कल रात इधर ही छोड़ दिया था, बिकॉज बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। Let's hope and believe it'll start. So hope करते start हो जाएगा, ताकि service center तक चल जाए। Well done. So देखिए, ये रहा beautiful speed of a church, और देखिए weather के साथ इतना church कितना match कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक, सो इधर से ट्रैफिक जाम हो गया, अभी देखते हैं क्या होता है। सो इस बाइक में बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है, जैसे कि हैंडल बार, उसके बाद साइलेंसर वगैरह वगैरह। सो मैं वीडियो का लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से। वेदर भी बहुत अच्छा है आज, और ये रहा दिमापुर रेलवे स्टेशन। जा रहा है रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर में, जो कि पाताचेरली में है। सो ये फ्लाईओवर क्रॉस मतलब ख़त्म होते ही मिल जाएगा हम लोगों को। अभी मैं हूँ हांगकांग मार्केट में। सो एक छोटा सा चीज़ लेना है, इसलिए हम लोग हांगकांग मार्केट में आया है। सो दोस्तों देखिए, वीर को इतना अच्छे से बार्गेनिंग कर रहा है, अगर बार्गेनिंग सीखना है तो उससे सीखना चाहिए, बहुत मस्त का टेल मार रहा है सब कुछ। तो दोस्तों ये रहा नागा ट्रेडिशनल थाली, उदन का भी होता है, उदन का और सुंदर लगता है देखने में। सो गाइस, अभी हम लोग एक ग्राउंड मार के सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाता है। इस बाइक को चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैकेनिक बुला लिया। सो अभी डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाएंगे, मैकेनिक ले जाएगा बाइक को।
तो इधर पे बहुत सारा मॉडिफिकेशन बाइक मिला है, मतलब रॉयल इनफील्ड का ये रहा एक। और यहाँ पे ज़्यादातर मतलब हैंडल बार चेंज किया है ऑलमोस्ट सब बाइक का हेलमेट हैंडल बार मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद साइलेंसर वगैरह वगैरह। दोस्तों मेरा दोस्त का बाइक का साइलेंसर चेंज किया है वो, और हैंडल बार जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं हैंडल बार चेंज किया है, और वो मतलब ब्रेक गार्ड में LED डाला है। 35,000 मंथ जैसे का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इस बाइक में मॉडिफिकेशन का नाम में, और उसका ब्रेक भी देखिए। सो दोस्तों ये एपिसोड 2 का एक छोटा सा झलक है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और पार्ट 2 भी जरूर देखना। और दोस्तों प्लीज़ यार लाइक कर।